वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, इसके एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगी और इसके करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। अब मीनिंग है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेथड। जो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का जिसे यूज में लिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने के लिए, ठीक है। विच पासेस जो प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस से पास होकर आया हुआ हो, मतलब कि जिस प्रोडक्ट में प्रोसेस होते हैं प्रोसेस 1, 2, 3 उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने के लिए क्या बनाई जाती है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई जाती है। अब सेकंड पॉइंट है आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एज इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें बोला जो आउटपुट होता है किसी एक प्रोसेस का उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा वो क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है दूसरी प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल जैसे ये है, रॉ मटेरियल आया मार्केट से, प्रोसेस फर्स्ट में भेज दिया उसको प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें आया जो रॉ मटेरियल आया तो इसके लिए क्या हो गया, प्रोसेस वन के लिए ये इनपुट हो गया। अगर वो जो प्रोडक्शन होना था वो होकर कंप्लीट होकर बाहर निकला तब वो उसके लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये आउटपुट अगर दूसरे प्रोसेस के लिए भेजते हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह जो प्रोसेस थर्ड है इसमें आउटपुट, ये सेम आउटपुट अगर थर्ड प्रोसेस के लिए भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके लिए ये इनपुट हो जाता है, और जब ये बन के तैयार हो जाता है और मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार है, किसी भी कार को बनाने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन वन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसमें कार की बॉडी बनाई जाती है, और सेकंड डिपार्टमेंट में क्या होता है उस कार के टायर्स लगाए जाते हैं, और थर्ड प्रोसेस में क्या होता है उस कार के इंजन बनाए जाते हैं। इसी तरह कार तो एक है पर उसे बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस से वो पास आउट हो रहा है, तो ये ऐसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को जानने के लिए अपन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग बनाए जाते हैं। जैसे एक कार ले लिया, मैंने आपको बताया था कार ले लिया, अब कार को इसमें प्रोसेस के लिए भेजा, जो यहाँ प्रोडक्शन होना था कार का जो बॉडी बननी थी वो बन गई, अब इसे आगे भेज दिया तो ये इसके लिए क्या हो गई है, आउटपुट हो गया, और आगे भेज दी वो इसके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। और सेम यहाँ अगर उसके टायर्स लग गए, टायर्स लगने के बाद इसका काम हो गया, इसका काम होने के बाद ये इसके लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और सिमिलरली दिस आउटपुट बिकम्स द इनपुट ऑफ अदर प्रोसेस थर्ड अकाउंट, मतलब थर्ड प्रोसेस के लिए क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, और लास्ट में ये बन के तैयार हो गया, तो ये बन के तैयार हो गया तो ये क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स बन गए, मतलब रेडी हो गए मार्केट में सेल करने के लिए। अब ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगी प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है कहाँ कौन से इंडस्ट्रीज में यूज में ली जाती है और कहाँ सूटेबल होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, पेपर, कॉस्मेटिक गुड्स, मेडिसिन, यहाँ प्रोसेस अकाउंटिंग यूज में ली जाती है उसकी कॉस्ट को जानने के लिए। इसी तरह माइनिंग इंडस्ट्रीज में क्या यूज में ली जाती है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग यूज में ली जाती है। माइनिंग इंडस्ट्रीज जैसे मिनरल्स, ऑयल हुई, कोल हुआ, गोल्ड हुआ, एक्सेट्रा, और बहुत से हो सकते हैं। ये हो गए एग्जाम्पल। अब अगर एग्जाम्पल पूछे एग्जाम है तो आपको इनके नाम लिख देना है और इन्हें एक्सप्लेन कर देना है विथ डायग्राम। तो अब हो गई करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस की जो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, ये यहाँ 1, 2, 3 ये नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब एक से ज्यादा क्या होते हैं, यहाँ प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस अकाउंटिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये आपने फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हो गया नंबर ऑफ प्रोसेस। अब सेकेंड है
कंटिन्यूस प्रोडक्शन, लगातार क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब एक प्रोसेस के लिए कंप्लीट, जैसे यहाँ है एक प्रोसेस के लिए कंप्लीट हो गया तो ये दूसरा मटेरियल यहाँ आ जाएगा तो इसका काम चलता रहेगा, इसका काम फिर कंप्लीट हो गया ये आगे जाएगा तो इसका काम पूरा होने के बाद ये आगे चली जाएगा, वैसे वापस पीछे से इससे काम वापस दे दिया जाएगा, ये लगातार एक चेन है ये जो चलती रहती है। तो इसका सेकेंड प्रोडक्ट क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। अब थर्ड है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से मैं आपको बता दूं, बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहाँ प्रोडक्ट तो अलग अलग बनते हैं पर जो मटेरियल होता है वो एक होता है, जैसे मिल्क है, मिल्क से अपन बहुत सारे मिल्क के बहुत अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे बटर हुआ, पनीर हुआ, कर्ड हुआ, बटर मिल्क हुआ एक्सेट्रा, तो ये बाय प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी क्या किया जाता है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। अब हो गया फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट वन, सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच प्रोसेस। सेपरेट अकाउंट मेंटेन मतलब अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने बताया यहाँ, तो यहाँ जहाँ जो इसका वो होगा, इसका काम हो गया जो इसमें जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे 20,000 के एक्सपेंसेस है तो यहाँ लिख देंगे, और इसमें जो आया इसका जो एक्सपेंसेस है उसे यहाँ लिख देंगे। तो अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अपन इस आगे वाली वीडियोस में देखेंगे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सेकंड कैसे बनाया जाता है, थर्ड कैसे बनाया जाता है। तो मैं वो सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। जैसे कार है, एक बार भी मैंने अभी ये सेम एग्जांपल मैं ले लेती हूँ वापस, कि कार में अगर अपन ने वो बॉडी बनाई थी तो उसमें एक्सपेंसेस कितने हैं 20,000, और फिर अपन ने क्या बनाया उसके टायर्स बनाए, टायर्स के क्या हो गया 10,000। अब थर्ड उसमें क्या बनाया था अपन ने, उसकी पेंटिंग की थी या और कुछ किया था तो उसमें अपन 5,000 लगाए, तो लास्ट में क्या होगा जब वो रेडी हो जाएगा सेल के लिए तो इन सारी कॉस्ट को ऐड करके उसकी एक्चुअल कॉस्ट जान ली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आप बता दूं अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाने को आता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है, और WIP होता है। पर अपने कोर्स में ओनली यही है, अपने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और WIP ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो अपन यहाँ नहीं करेंगे। ये वाला कहाँ है सिलेबस, ये सिलेबस है MCOM स्टूडेंट्स के लिए है, और हायर स्टडीज के जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए है, जैसे CA वालों के लिए है। तो अभी अपन BCOM सेकंड का कंप्लीट कर रहे हैं तो अपन BCOM सेकंड का ही करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट में अपन बनाएंगे स्टॉक अकाउंट बनाएंगे विदाउट स्टॉक अकाउंट, किस तरह प्रोसेस अकाउंट में इस तरह के टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, स्टॉक अकाउंट होता है, विदाउट स्टॉक अकाउंट होता है। फिर आपको इसे कंप्लीट करके प्रोसेस फर्स्ट का हो जाएगा, इसी तरह जो प्रोसेस सेकंड का है उसका भी ऐसा ही बनेगा। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको अगर सेकंड वीडियो देखनी है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।